को उसमें और बढ़ावा दे सकते हैं। शेख, हमारा सवाल था कि जैसा मैं भी आपका एक स्टूडेंट रहा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बहुत सीखा हूँ आपसे, आज भी सीखता हूँ। तो नाउ आई एम अ टीचर, सो मैं कैसे तरीके या कैसे मैं चीज़ें इम्प्लीमेंट करूँ अपने डेली लाइफ में, ताकि ये जो मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं इनको एक अच्छा स्टूडेंट बना सकूँ। एक अच्छा सवाल है टीचर की तरफ से कि एक टीचर अपने लाइफ में ऐसा क्या इम्प्लीमेंट करे जिससे वो एक अच्छा टीचर बन सके। तो पहली चीज याद रखिए, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा स्पीकर, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर, एक अच्छा आदमी जो समाज को कुछ देना चाहता है, इन्फ्लुएंस करना चाहता है, उसकी सबसे बड़ी अलामत यह है कि वो जो प्रीच करता है, जो टीच करता है, वो खुद अपने लाइफ में सबसे पहले इम्प्लीमेंट करता है। और ये सबसे बेसिक चीज है याद रखिए, आप समझिए, ये सबसे बेसिक फंडामेंटल है किसी भी उसका। और इस वजह से अल्लाह ताला आपकी तमाम चीजों में बरकत देना शुरू कर देता है, आपको मशहूर नहीं मकबूल बना देता है। मशहूर और मकबूल में डिफरेंस होता है। मशहूर मतलब वो जिसको सब पहचानते हो, और मकबूल मतलब वो जिसके जैसा लोग होना चाहते हो, उनकी बातों को सीरियस लेके अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो। तो मशहूर तो कई सेलिब्रिटीज है, स्टार्स है, हर फील्ड में है, लेकिन मकबूल सब नहीं होते। आप कुछ लोगों को देख के सोचते मैं ऐसा बनूंगा, तो मकबूल होते। तो फर्स्ट रूल यही याद रखिए, आप वो चीज जो पढ़ाते हैं उसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें, ये चीज है। दूसरी चीज याद रखिए, जो एज अ टीचर हमको करना, याद रखिए कि एक अच्छा टीचर बनूं ताकि वो करे, बच्चे भी आपकी बात करें, अपने टीचिंग को आप ऐसा बनाइए, उसके अंदर ऐसे मेथड्स को अडॉप्ट कीजिए जिन मेथड के जरिए आप बच्चों को वो चीज अच्छे से सिखा सके जिसको सिखाने के लिए आपको खड़ा किया गया। जिसके लिए पहला काम ये कीजिए कि आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह ये बच्चों को जो मुझे सिखाना जो जिम्मेदारी दी गई इससे मुझे कामयाब कर, मुझे ऐसे सलाहियत दे, ऐसी तौफीक दे कि ये चीज मैं इनको अच्छे समझा सकूं, ताकि अपने लाइफ में इसको सीख के इम्प्लीमेंट करे, और दुनिया में जब तक मैं जिंदा रहूं मेरे लिए सवाबे जारिया बने, और जब मैं दुनिया से चले जाऊं ये लोग उस पर अमल करते रहे तब भी मेरे लिए सवाबे जारिया बने। तो ये उसकी अल्लाह से दुआ रहेंगे, कोई भी चीज का कोई भी चैप्टर, इवन बेसिक साइंस भी सिखाना है पूरे लाइफ टाइम इंप्लीमेंट होती है, मालूम आप, आपकी दुआ हो अल्लाह ताला से। तो एक प्रैक्टिकल लाइफ, अल्लाह से दुआ हमेशा करते रहे कि जो हम सिखाने के लिए खड़े अल्लाह हमको तौफीक दे सिखाने। थर्ड, सारे मेथड्स अडॉप्ट कीजिए जो एक अच्छे टीचर में होना चाहिए सिखाने के लिए जो होते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं हमसे, फैज साहब आपका क्या है 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे का लेक्चर रहता है, उसमें तो आप बहुत अच्छा सिखा सकते हैं। बट क्या ऐसा लेक्चर आप रोज ले सकते हैं? ऐसे लेक्चर के थ्रू आप रोज सिखा सकते हैं? अगर आप मुझसे कहें तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऐसी टेक्निक से रोज पढ़ा सकता हूँ लोगों, और मैं क्लासेस लेता था कई जमाने तक और यही टेक्निक से मैं पढ़ाता था, और मैंने तकरीबन 4 से 5 साल हमारे सेंटर को सिर्फ ये फीसेस से चलाया जो बच्चों को पढ़ा के निकालता था। मेरा रोज का ही रूटीन, क्योंकि एक पैशन होता है टीचर के अंदर सिखाने का, वो पैशन उसको मजबूर करता है। वो आप सिलेबस क्या बनाते हैं, वो आपको क्या मेथड टीचिंग में बताया गया, वो छोड़ दीजिए, आपका एक पैशन होना चाहिए, कल उसको ये पढ़ाना है तो मैं आज उसके लिए पूरी तैयारी करके जाऊंगा जो उसको मुझे सिखाना है, और इसमें क्या क्या चीजें डाल सकता हूँ अच्छे मेथड के लिए, अच्छे अल्फाज, और उसके अंदर जिसको कहेंगे अच्छे वर्ड्स को मैं उसके अंदर यूज करूँ, सही बातों को वहाँ करूँ, इसमें और क्या चल रहा है लाइफ में, इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो करूँ, कोई मॉडल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर सकता हूँ करूँ, कुछ थोड़ी बहुत ऐसे ह्यूमर के साथ इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ करूँ, ये सारी चीजें आपको करना है, अगर इसे समझना है अगर, लिहाजा पैशन हो आपको पढ़ाने का उसके लिए आप बहरहाल कोशिश कीजिए। याद रखिए अच्छे टीचिंग मेथड्स टेक्निक्स जो होते हैं, अच्छे टीचर्स कैसे पढ़ा रहे हैं याद रखिए उसको वो कीजिए याद रखिए। और इसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे अपने आप को मॉनिटर करते रहिए। टीचिंग के दो टेक्निक्स होते हैं, वैसे टीचर का सेशन नहीं, बस आखिरी पॉइंट इसमें रखता हूँ, दो टेक्निक्स होते हैं सिखाने के, याद रखिए। आप भी बड़े होंगे तो टीचर बनेंगे, कुछ नहीं तो टीचिंग तो करेंगे ना, लोगों को सिखाएंगे, चाहे वो टीचर के थ्रू हो या अपने लाइफ में बच्चों को, बड़ों को, जिसके साथ काम कर रहे हैं अपने छोटों को। दो मेथड्स होते हैं, पहला मेथड होता है टीचर सेंट्रिक मेथड, दूसरा होता है स्टूडेंट सेंट्रिक मेथड या लर्निंग सेंट्रिक मेथड। टीचर सेंट्रिक मेथड ये होता है जिसमें टीचर ये बोलता है कि मुझे सब आता है, आई नोज एवरीथिंग, मुझे कोई सिखा नहीं सकता, मैं बच्चों को मुंह नहीं लगाता हूँ, इनसे से बात नहीं करता हूँ, किसी से पूछता नहीं हूँ, मैं अपने फील्ड में टॉप में जा रहा हूँ। ये मेथड कभी भी अच्छा नहीं है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है, दीन को पसंद नहीं, और दुनिया में इसको पसंद नहीं किया जाता। दूसरा मेथड होता है लर्निंग सेंट्रिक मेथड। लर्निंग सेंट्रिक मेथड में ये होता है टीचर ये सोचता है बच्चों आप और मैं मिलके चलो सीखते हैं कुछ आज, और वो होता है लर्निंग सेंट्रिक। यहाँ लर्निंग मेन होता है, सिखाने वाला सीखने वाला नहीं, लर्निंग सेंट्रिक मतलब हम लोग मिलके चलो कुछ आज सीखते हैं। और आपको मैं बताऊं, मैं हर जगह जब भी स्पीच देता हूँ जाकर मैं लोगों से कुछ ना कुछ सीख कर आता हूँ, हमेशा वो आते हैं मैं उनसे सीखता हूँ। इतनी छोटी सी और इतनी बड़ी बात इसी को इंतजार नहीं आता, मतलब मेरी स्पीच में आप देखेंगे अल्फाज का चॉइस ऑफ वर्ड मैं बहुत सोच के करता हूँ, वीडियो कहाँ कहाँ जाने वाले, कैसे जाने वाले, मेरे लिसनर्स क्या करें, क्योंकि वो मुझसे फीडबैक लेते हैं, मुझे देते रहते हैं, तो मैं अपडेट रहता हूँ हमेशा, क्योंकि लर्निंग सेंट्रिक है। आप और मैं मिलके इस लेक्चर को मैं आपको समझाना चाह रहा था,
अब आपने कितना सीखा आपके फीडबैक से मुझे पता चल रहा है, अगली बार मैं और मोटिवेट होता हूँ कि बच्चों नहीं समझा, अगली बार मुझे ये डालना चाहिए, ये पॉइंट नहीं डालना चाहिए, ये समझा था, ये होता है। तो आप टीचिंग के अंदर कंटिन्यूस लर्निंग सेंट्रिक रखकर उसको करते रहिए, मैं समझता हूँ आपकी स्किल डेवलप हो जाएंगी। और सिखाना और सीखने का मामला पैदाइश से लेकर मौत तक है, तो टीचर्स के लिए भी है, सबके लिए, हम सीखते ही रहेंगे इंशाल्लाह इस यात्रा के। और ये इंपॉर्टेंट चीज, ये चार चीजें तो जो बेसिक्स में थी, इससे मेरा एक लेक्चर भी है रिकॉर्डेड ऑनलाइन के टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा, उसमें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया कि कैसा, और शायद वो लेक्चर कमिंग सैटरडे जो है अपलोड हो जाएंगे। हमारा स्कूल सीरीज ही चल रही है, 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, स्कूल का सिलेक्शन कैसा करें, उसके बाद पेरेंट टीचर रिलेशनशिप, स्टूडेंट और स्कूल रिलेशनशिप, स्कूल मैनेजमेंट कैसा हो, टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ऐसे सीरीज है पूरी याद रखिए। तो उसमें अब ये भी इंशाल्लाह आपका एक पार्ट जुड़ जाएगा इसी वक्त। अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सभी का सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।